फ्रेंड, आपको स्वागत है माइनक्राफ्ट के एक और नए एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ मधुमक्खियों का एक फार्म बनाएंगे। एक्चुअली फार्म नहीं, मतलब मैं यहाँ पे फ्लावर वलोवर लगाऊंगा अपने जंगल में, जो कि मधुमक्खियाँ ज़्यादा ज़्यादा आएँ। और बाकी का भी देखेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने इसका एपिसोड अपलोड नहीं किया है, तो वो भी अपलोड कर दूँगा। ओके, तो ठीक है, चलते हैं और देखते हैं क्या क्या सीन है। तो ये नज़ारा है, काफ़ी दिन के बाद देखने को मिला है मुझे खुद भी, क्योंकि मैं खुद ही नहीं खेलता हूँ। ओके, तो अभी चलते हैं। ये अपना क्रीफर। ओके, चलो 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 चलो। सिल्क टच है ना मेरे पास, सिल्क टच है मेरे हाथ में ही। मेरा एक कुत्ता, अच्छा वो उधर है, मुझे लगा कि मर गया। यार मरो मत, खा लो तुम खाना, तुम भी खा लो। ओके, नीचे एक स्लाइम है, अभी उसको भी देखेंगे चल के। अभी मैंने थोड़ा खेला है अभी बिल्कुल, तो वो भी मैं देख लेता हूँ। तो पहले तो हम देखते हैं कि हमारे इसमें शहद आया। ओके, तो शहद तो आ गया है भाई। और अभी देख लेते हैं कि मैंने अभी ना पीछे ना थोड़ी सी मधुमक्खियाँ देखी, तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि मधुमक्खियाँ हैं या फिर छता भी है। ये कहाँ गिर गया। ओके, यहाँ कहीं पे मैंने मधुमक्खियाँ देखी थी अपनी घर की छत से, रूफ से। यहाँ अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है भाई। ओके, तो शायद फ्लावर हो है यहाँ पे, उसके लिए आई होंगी। फ्लावर्स तो हैं ही, काफ़ी सारे हैं, तो मैं फ्लावर्स ये लेके जाने वाला हूँ और ये सब फ्लावर में लगाऊंगा अपने। जगह तो बहुत सारी, वहीं पे लगा देंगे कहीं पे, तो मधुमक्खियाँ जो है ना वो आएंगी। और सही है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ये जगह खाली ना, यहाँ पे लगाऊंगा मैं फ्लावर सारे। ले लेता हूँ 10-20, जितने भी हों, तो एक गार्डन बन जाएगा। अभी कितने हो गए, 7 हो गए, तो ले लेता हूँ। ओके, ले लो भाई फ्लावर, ले लो फ्लावर फ्लावर फ्लावर। अबे हम तो गया रहे हैं यार। तो फ्रेंड, काफ़ी दिनों के बाद मैंने, मतलब मैं अभी अपलोड कंटिन्यू नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं टाइम मेरा बंद थोड़ा गड़बड़ हो गया था इस वजह से। तो अभी वो मैंने फिक्स कर लिया, तो अभी से डेली अपलोड आएंगे। अब मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डेली की डेली मैं अपलोड करूँ वीडियोज़ को, जैसा कि पहले किया करता था। तो ठीक है, मैं देख लूँगा। वैसे मैंने टाइम को सेटिंग कर ली है, ऊपर से मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, इस वजह से मैं और नहीं डाल पा रहा था डेली। तो अभी मैं कोशिश करूँगा पूरी अपनी कि डेली की डेली अपलोड आए, और जहाँ तक है कि डेली की डेली ही आएंगे भी, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ओके, और ठीक है, अभी हमारे पास हो गए होंगे हमारे मतलब वर्क के फ्लावर, बहुत हो गए, 10-13-20 से भी ज़्यादा हो गए। ओके, चलो अब मधुमक्खियों के लिए हम एक फार्म बनाते हैं, वहाँ पर मधुमक्खियाँ आएंगी। ओके, अबे स्पीड। और ये मैं कहाँ पे बनाऊँ, मैं ये सोच रहा हूँ। वैसे मैंने वो जगह सोची थी, लेकिन ये जंगल के पास में है, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं कहीं पे बना देता हूँ। अब मधुमक्खियाँ एक हैं या दो हैं ये देख लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक दो की ब्रीडिंग करा के मधुमक्खियाँ थोड़ी बढ़ा दूँ। अब ये फंस गई है यहाँ पे, गलत जगह घूमती क्यों, फंस हो गई तो हो ही। तो मैं क्या करता हूँ ना कि फ्लावर को उधर ही लगा देता हूँ। सही है, वो दिखने में सही जगह लग रही है, थोड़ी उधर ही लगा देता हूँ, तो पता चलेगा कि मधुमक्खियाँ कितनी आ रही हैं। इधर तो समझ ही नहीं आएगा कि कोई आ भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं फ्लावर लगा देता हूँ सारे के सारे। अभी मैं खा भी लेता हूँ पहले, भूखा आदमी हूँ मैं, तो बीच में लगाता हूँ लाइन वाला लाइन। यार ये लाइन से लगते क्यों नहीं है, जैसे कि ब्लॉक सेट होते हैं वो जहाँ पे लगाओ एकदम सेंटर में फिट होते हैं। और ये है कि
चलो सही है। ये फिर भी सेंटर में लगते हुए नजर आ रहे हैं। अरे अंधेरा हो गया बिल्कुल, क्या भाई। मैंने अपने गेम का ब्राइटनेस भी कम करके रखा हुआ है, इसे ना ग्राफिक काफ़ी रियलिस्टिक लगती है, तो बस इस वजह से मैंने कम करके रखा है। तो अभी ये गार्डन हो गया है, बस सारे फ्लावर ख़त्म, बाद में और भी लगा देंगे। अभी रात हो गई, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो एक एक नींद पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद आते हैं। हटो रास्ता तो सोने का। ओके तो मॉर्निंग हो गई है, और अभी हम क्या करने वाले हैं, कैंप फायर बनाने वाले हैं, जहाँ से हम मधुमक्खी का वो निकालेंगे शहद। इसके लिए हमें क्या चाहिए? ओके तो ये बहुत इजी है बनाना, बस मैं रेसिपी भूल गया था, तो बस वही देख रहा था। क्यों भूल गया था ये तो मुझे नहीं पता है, बस मैं भूल गया था। तो कोई बात नहीं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम कैंप फायर बना सकें। क्या यार, सब कुछ तो है मेरे पास, लकड़ी। स्टिक बनाओ भाई, वॉल पे करो पहले। आ गया, एक बना लिया हम लोगों ने, इतना काफ़ी है, हमें ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा छत्ता एक ही है ना, इस वजह से। तो इससे क्या होगा ना, मधुमक्खियाँ जो हैं वो, अबे किधर रखी हुई मेरी बोतलें, मधुमक्खियाँ जो है ना वो काटेंगे नहीं, इससे इतना फ़ायदा होता है। तो 14 खाली पड़ी हुई हैं, तो मैं इनका यूज कर लेता हूँ। खाली पड़ी हुई हैं, क्यों पड़ी हुई हैं? बारिश का मौसम है, तो मैं पहले मैं इधर जा रहा हूँ, उसके बाद पहले मैं सोचता हूँ ऐसे ही निकालूँ, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी मधुमक्खियाँ हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें भाग तो लूँगा ही, क्योंकि मेरे पास जानते हैं आप क्या है, तो मैं निकाल के भागता हूँ। ओके ओके, ओप्स ओप्स, आप लोग ज़्यादा हैं, आप लोग ज़्यादा हैं, बाय बाय बाय, बस मैंने मस्ती की थी, जाने दो मुझे, जाने दो, बाय बाय। पीछे तो नहीं आ रही ना, चलो कोई बात नहीं, पॉइजन दिया बस, और कुछ नहीं। इसे मैं पता चल गया कि 2-3 है, एक बार फिर से जाके देखता हूँ भाई। गुस्सा तो नहीं ना, गुस्सा तो नहीं ना आप? हेलो मधुमक्खी जी, हेलो मधुमक्खी जी, लाल मुँह तो नहीं ना? चलो पीला ही है। तो मैंने 2 तो देखी थी, वापस भी घुस गई बहुत जल्दी। तो कुल मिला के 2 मधुमक्खियाँ हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये कैंप फायर है ना, इसके नीचे रख देता हूँ, और अगली बार जब मैं निकालूंगा तो ये मुझे नहीं काटेंगी। इस बार तो मैंने जानबूझ कटवा लिया, मैंने चलो कटवा लेते हैं खुद को, क्या जाता है। तो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, मेरे पास एक शहद आ गया होगा। ओके एक आ गया है, ओके लेट्स गो। अभी हम अभी और ढूंढेंगे इनको भी, और ढूंढेंगे। क्रीपर है, क्रीपर है, सीधे भागो सीधे भागो, फट जाएगा इतनी देर में। एक तो यार मैंने कहा कि ये लोची बहुत ख़राब है, फटा तो नहीं ना, क्योंकि मुझे कुछ सुनाई तो पड़ नहीं रहा है। हेलो क्रीपर, फटना बाद में। वैसे जंगल देखो कितना बड़ा हो गया, घर पे अपने घर अपना बहुत पुराना हो गया, पुराने ज़माने का। तो ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, और पॉइजन वाले में अपना शहद रख देता हूँ, इसी में रखता हूँ ना, ये इधर रख देता हूँ, ये इधर रख देता हूँ, एंड बस इतना काफ़ी है। और अभी क्या करता हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ चल के जो अपना स्लाइम है ना, वो बड़ा हुआ या नहीं, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो बड़ा नहीं हो रहा है, मैं उसे मारना चाहता हूँ। मारने के बाद मैं उसकी स्लाइम बॉल नहीं लूँगा, मैं बस उससे मारने के बाद उनका डबल ट्रिपल फोर करूँगा, और उनका उनको भी बड़ा करूँगा। अभी ये बच्चा ही है बिल्कुल, या तो कब बड़ा होगा, जल्दी बड़ा हो जा। एक्चुअली मैं खेलता नहीं, तो मैं खेलूँगा ऑफलाइन में कभी ये गेम, इस बर्ड को, उसके बाद मैं इसे बड़ा करूँगा। तो ठीक है,
तो ठीक है फ्रेंड, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हम लोगों ने मधुमक्खियों से खुद को कटाया और उनका शहद निकाला ज़बरदस्ती, और उनके लिए एक गार्डन बनाया जो उनको भी पता नहीं है, तो वो भी मैं बता दूंगा कि इधर है, किस तरह से बताऊंगा वो मेरे पास आइडिया है। मैं फ्लोवर यहाँ से तोड़ूंगा और उनको यहाँ तक लेके आऊँगा, तो इससे उनको पता चल जाएगा यहाँ पे एक गार्डन है, उसके बाद हो सकता है वो लोग यहाँ पे आया करें। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं आप लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।